मिथुन चक्रवर्ती 80 के दशक के सबसे चहेते स्टार थे। उस दौर में उन्होंने खूब दौलत कमाया, लेकिन एक सूझबूझ ये दिखाया कि उन्होंने अपनी कमाई हुए पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। 90 का दशक आते आते मिथुन को एहसास हो गया था कि बॉलीवुड में अब उनका दौर खत्म हो रहा है, और फिर उन्होंने ऊटी में अपने होटल्स खोलने शुरू कर दिए। एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग ऊटी में ही करने लगे थे। बाद के दिनों में उन्होंने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। उन्होंने मुंबई में बंगला लिया, मड आइलैंड में बंगला लिया, ऊटी में घर बनवाया, और आज वो 400 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मिथुन मुंबई की सड़कों पर सोते थे, फुटपाथ पर भूखे रहते थे। बहुत स्ट्रगल के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। चलिए देखते हैं मिथुन की प्रॉपर्टी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कभी फुटपाथ पर सोते थे, कभी भूखे पेट रहते थे, आज 400 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं मिथुन। होटल बिजनेस और प्रॉपर्टी में निवेश कर बने करोड़पति। बॉलीवुड से जो भी कमाया प्रॉपर्टी में लगा दिया। कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद मिथुन ने अपनी तकदीर सवारी और एक दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते स्टार बने। मिथुन चक्रवर्ती अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं, और इसी वजह से दौलत और शोहरत एक वक्त में उनके कदम चूमने लगे थे। बता दे, फिलहाल वो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। मुंबई, ऊटी, कोलकाता जैसे शहरों में उनकी कई सारी संपत्तियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती के मुंबई में दो बंगले हैं, एक बांद्रा में तो दूसरा मड आइलैंड में। मिथुन दा का ऊटी में एक फार्म हाउस भी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। मिथुन का होटल बिजनेस। मिथुन चक्रवर्ती लंबे समय से बतौर लीड हीरो फिल्मों में काम नहीं कर रहे। रियलिटी शोज और फिल्मों में साइड रोल कर वो आज भी लाइमलाइट में बने हुए हैं, लेकिन होटल बिजनेस से उन्होंने खूब पैसा कमाया है और आज भी कमाते हैं। उन्होंने होटल बिजनेस का कारोबार 90 के शुरुआती दशकों में किया था, और आज ये बहुत फैल चुका है। एक समय में उनका ऊटी का होटल बिजनेस इतना फैल गया था कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग भी वहीं किया करते थे। कहा जाता है कि मिथुन के एक दो नहीं बल्कि 5 5-स्टार होटल हैं। मिथुन के मोनार्क होटल्स एंड रिजॉर्ट्स पूरे देश में मशहूर हैं। ऊटी और मसीनागुड़ी में उनके दो सबसे पॉपुलर होटल हैं। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई और शहरों में उनके आलिशान होटल हैं। मिथुन अपने बेटों के साथ मिलकर इस बिजनेस को संभालते हैं। मिथुन के ऊटी वाले होटल मोनार्क में 59 प्रीमियम रूम, 4 लग्जरी फर्निश सुइट है। वहीं मसीनागुड़ी में इनके 16 कॉटेज हैं, जबकि मैसूर में भी इन्होंने 18 कॉटेज और कई रेस्टोरेंट बनवा रखा है। मिथुन जब अपने करियर के पीक पर थे तो उन्होंने मुंबई से सटे मड आइलैंड में 1.5 एकड़ का प्लॉट खरीदा था। इस जगह पर उन्होंने एक शानदार बंगला बनवाया। मिथुन के मड आइलैंड वाली प्रॉपर्टी की कीमत फिलहाल 45 करोड़ 73 लाख रुपए है। यहाँ पर सभी तरह की लग्जरी सुविधाएं हैं। मिथुन को प्रकृति से बहुत प्यार है, और उन्होंने अपने इस बंगले में बहुत बड़ा गार्डन बनवा रखा है। उनके इस बंगले के चारों तरफ काफी हरियाली है। उन्होंने घर के आसपास खूब पेड़ पौधे लगाए हैं। आपको बता दें, मिथुन अपने मुंबई के बांद्रा वाले फ्लैट में नहीं बल्कि मड आइलैंड वाले बंगले में ज्यादा रहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरे परिवार की वजह से मड आइलैंड में यह बंगला बनवाया। अपने तीनों बेटों, बहू, बेटी, पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ उनके परिवार के साथ 50 पालतू कुत्ते भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती का एक आलिशान घर मुंबई के बांद्रा में है। ये घर उन्होंने 90 के दशक में ही खरीदा था। उनके इस घर की खासियत यह है कि उनके इस घर में छत काफी बड़ी है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मिथुन के बच्चे ज्यादातर यही रहते हैं। एक्टर के बांद्रा वाले फ्लैट की कीमत भी करोड़ों में है। ऊटी में बंगला। मिथुन जब ऊटी में रहते थे तो उन्होंने अपने परिवार के लिए एक आलिशान बंगला बनवाया था। उनके बच्चों का बचपन ऊटी वाले बंगले में ही बीता है। लंबे समय तक मिथुन के परिवार ने यहाँ पे अब समय गुजारा है। वहीं फिलहाल ये उनके परिवार का हॉलिडे होम बना हुआ है। उनके ऊटी वाले बंगले में 76 से ज्यादा डॉग्स रहते हैं। आपको ये बता दें कि मिथुन के पास टोटल 114 डॉग्स हैं।
कोलकाता में घर। मिथुन मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं और उन्होंने बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी अपना आशियाना बनवा रखा है। कोलकाता में भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 80 के दशक में जब अमिताभ बच्चन का जादू खत्म हो रहा था, तब मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान सबके सबसे चहेते स्टार बन गए थे। लेकिन मिथुन का भी दौर खत्म हुआ। मिथुन अब 73 साल के हो चुके हैं। मिथुन को जो कामयाबी मिली वो उनके बच्चों को नहीं मिल पाई। मिथुन के एक भी बेटे को कोई ऐसी फिल्म नहीं मिली जिसके जरिए उनको याद रखा जा सके। लेकिन मिथुन ने ये ज़रूर समझदारी से किया कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य भी संवार दिया। उन्होंने इतनी दौलत इकट्ठा कर ली कि उनके बच्चों को भविष्य में शायद कोई परेशानी ना हो।